नमस्कार, मेरा नाम रोहित वर्मा है और आप देख रहे हैं SBN 9 News। एक साल पहले जिस बहुचर्चित रेप मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को जेल जाना पड़ा था, अब उन पर आरोप लगाने वाली कानून की ही छात्रा अपने बयान से पलट गई। गलत बयानी के लिए उन पर पीड़ित पर मुकदमा भी चलेगा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर रेप के आरोप से जुड़े मुकदमे में मंगलवार को तब नया ट्विस्ट आया जब 23 वर्षीय पीड़ित छात्रा लखनऊ की विशेष एमपी एमएलए अदालत में अपने पहले के सभी आरोपों से पलट गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर लखनऊ के विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही। मामले की अगली सुनवाई आज होनी है, 15 अक्टूबर को। शाहजहांपुर के एक स्थानीय पत्रकार है, उनके मुताबिक सुनवाई के दौरान मंगलवार को एलएलएम की छात्रा ने इस बात से स्पष्ट रूप से इनकार किया कि उसने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ कोई आरोप भी लगाया था। पीड़ित छात्रा के इस बयान से हैरान है अभियोजन पक्ष ने छात्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग और सीआरपीसी की धारा 340 के तहत झूठा बयान देने के लिए अदालत से कार्रवाई की मांग की। मामले की सुनवाई कर रहे जज पीके राय ने पीड़िता के खिलाफ कार्रवाई करने संबंधी अभियोजन पक्ष की मांग को स्वीकार कर लिया और आज जो 15 अक्टूबर को अगली सुनवाई की तारीख तय करी गई थी। पिछले साल शाहजहांपुर के स्वामी सुखदेवानंद विधि विश्वविद्यालय महाविद्यालय में पढ़ने वाली एलएलएम की छात्रा ने एक वीडियो में स्वामी चिन्मयानंद पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए। इस कॉलेज को स्वामी चिन्मयानंद का ही ट्रस्ट चलाता था। इस आरोप के बाद यह मामला काफी दिनों तक मीडिया की सुर्खियों में बना रहा और तमाम दबावों के बाद स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उससे पहले एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही और बाद में उनकी गिरफ्तारी भी। एसआईटी ने यूपी पुलिस के साथ मिलकर पिछले साल सितंबर में चिन्मयानंद को उनके मुमुक्षु आश्रम से गिरफ्तार किया था। इस मामले में पीड़ित छात्रा ने दिल्ली के लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में 5 सितंबर 2019 को चिन्मयानंद जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इससे पहले 28 अगस्त 2019 को छात्रा के पिता ने शाहजहांपुर में छात्रा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले की जांच के लिए यूपी सरकार ने एसआईटी भी गठित की थी। मामले की जांच के दौरान दोनों ही एफआईआर को एक साथ मिला दिया गया। हालांकि बाद में फरवरी 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को जमानत दी। वहीं इस मामले में आरोप लगाने वाली छात्रा पर भी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल कर रंगदारी मांगने के आरोप है। इसी मामले में स्वामी चिन्मयानंद के वकील हैं ओम सिंह, वो कहते हैं उन्होंने क्या किया था, उन्होंने किया था कि एक अज्ञात मोबाइल नंबर से 5 करोड़ रुपए रंगदारी जो मांगी गई थी उसमें मामला दर्ज करवा दिया। छात्रा और उसके 3 साथियों को भी बाद में गिरफ्तार किया गया था जिन्होंने रंगदारी मांगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पीड़ित छात्रा के मुकदमे की पैरवी कर चुके वरिष्ठ एडवोकेट हैं रवि किरण जैन, वो कहते हैं आरोप से मुकर जाने पर उसके खिलाफ भी कार्रवाई का विधान है। सीआरपीसी की धारा 340 के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है। वैसे भी चिन्मयानंद का जैसा रसूख है और शुरुआत में पुलिस और प्रशासन ने जिस तरह से केस में हीला हवाली की उससे लग रहा था कि पीड़ित लड़की और उनके परिजनों पर दबाव पड़ सकता है। शाहजहांपुर के एक स्थानीय पत्रकार हैं, वो कहते हैं कि ये दबाव तो पहले से ही बनाया जा रहा था और हर तरीके से पीड़ित पक्ष पर पहले तो केस ना दर्ज करने का दबाव बनाया गया और जब केस दर्ज हो गया तो उसे वापस लेने का दबाव। चूंकि यह मामला इतना ज्यादा चर्चित हो चुका था कि सरकार को कार्रवाई करनी ही पड़ती तो उन्होंने करी। नरेंद्र यादव जो स्थानीय पत्रकार है वो कहते हैं कि लेकिन अब ऐसा करके स्वामी चिन्मयानंद को सजा से बचाने की कोशिश की। सरकारी वकील है जो इस पक्ष में सरकारी वकील है अभय त्रिपाठी, वो कहते हैं उन्होंने अपनी अर्जी में कहा है कि 5 सितंबर 2019 को पीड़िता ने खुद इस मामले की एफआईआर नई दिल्ली के लोधी कॉलोनी थाने में दर्ज कराई थी। इस एफआईआर को इसके पिता की ओर से शाहजहांपुर में दर्ज कराई गई एफआईआर के साथ मर्ज कर दिया गया था, मतलब दोनों एफआईआर को एक साथ ले लिया गया था। इसके बाद एसआईटी ने इसका सीआरपीसी की धारा 161 और शाहजहांपुर में संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाया।
इन दोनों बयानों में इसने रेप की बात दोहराई गई। लेकिन बीते 9 अक्टूबर को अदालत में इस मामले की गवाही के दौरान जानबूझकर इसने अपना बयान बदल दिया। ये कहना था सरकारी वकील का और आरोपी के साथ समझौता कर लिया। ये गंभीर आरोप लगाया है सरकारी वकील ने। चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरवरी महीने में जमानत दे दी थी। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर चिन्मयानंद ने कोर्ट में जमानत अर्जी दी। आपको बता दें कि ये मामला क्या है। पिछले साल अगस्त महीने में चिन्मयानंद के शाहजहांपुर स्थित कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा अचानक लापता हो गई। बाद में सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल हुआ जिसमें उसने चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाया। इसके बाद ये मामला सुर्खियों में आ गया और उसने तूल पकड़ लिया। चिन्मयानंद पर इससे पहले भी यौन शोषण के आरोप लग चुके हैं। करीब 12 साल पहले उनके आश्रम में रहने वाली ही एक महिला ने भी इसी तरह के आरोप लगाए थे। राज्य में बीजेपी की सरकार थी, राज्य में बीजेपी सरकार बनने के बाद सरकार ने उस सारे मुकदमों को वापस कर लिया। लेकिन पीड़ित लड़की की शिकायत पर हाईकोर्ट ने इस कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के वकील कहते हैं इस तरह के मामलों में कोर्ट भी कई बार हैरान हो जाता है। जब पीड़ित ही मना करने लगे कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ तो उसकी पैरवी करने वाले या फिर न्याय देने वाले ही क्या कर सकते हैं। लेकिन आरोप से मुकरने को कोर्ट बहुत ही गंभीरता से लेता है। यदि आरोप सही पाए गए तो अभियुक्त को तो सजा होगी ही, आरोप से मुकरने के लिए पीड़ित को भी सजा होगी। कि उसने किस लालच में आकर ऐसा किया। यदि उस पर कोई दबाव बनाया गया होगा तो कोर्ट इस बारे में उसके कर्मबंद बयान भी दर्ज करेगा। इस तरह के मामले पहले भी आए हैं जिनमें पीड़ित पक्ष अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोपों से मुकर गया। लेकिन इतना हाई प्रोफाइल मामला जिसने देश विदेश की मीडिया में इतनी सुर्खियां बटोरी, उसमें बयान से पलटने की घटनाएं कम ही देखने को मिलती हैं। दिल्ली की 30,000 कोर्ट में क्राइम मामलों की पैरवी करने वाले वकील हैं। वो कहते हैं जहां तक इस मामले का सवाल है, ये सबको पता है कि छात्रा यदि आरोपों से मुकर रही है तो या तो उसे कोई बड़ा लालच दिया गया है या फिर उसे कोई धमकी। ये भी जांच का विषय होना चाहिए क्योंकि लड़की ने अपने आरोपों के पक्ष में जो भी प्रमाण दिए थे उन्हें सबने देखा था। इसलिए कोर्ट सीधे तौर पर धारा 340 के तहत लड़की पर कार्रवाई करने का ऐसा लगता नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।